एनएसयूआई ने बिजुआर पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए किए प्रत्याशी घोषित। पौड़ी जिले एनएसयूआई ने बिजुआर पौड़ी परिसर में होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर सोमवार की शाम को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजेश भंडारी ने कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए सभी सीटों पर जीत का दावा किया। सोमवार को कांग्रेस सीटों पर जीत का दावा किया। सोमवार को कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक के बाद एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने प्रत्याशियों की घोषणा जारी करते हुए बताया कि अध्यक्ष पद पर राजकुमार नेगी, सचिव पद पर अमन नेगी, उपाध्यक्ष पर आलोक नेगी, सह सचिव संदीप, कोषाध्यक्ष पर विनय खुकशाल को प्रत्याशी बनाया गया है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, आस्कर रावत, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित सिंह, प्रदेश सचिव आशीष नेगी, सरिता नेगी, संजना गुजराल, उपेंद्र रावत, नितिन विष्ट आदि शामिल रहे। नमस्कार, मैं राजकुमार नेगी, मैं एनएसयूआई का सदस्य हूं और मैं एनएसयूआई से पिछले 3 साल से जुड़ा हूं। तो इस बार हम छात्रों की पूरी समस्याओं का सुलझान करेंगे और छात्रों के हितों के लिए भविष्य में उनके साथ खड़े रहेंगे। छात्राओं का और बड़े भैया लोगों का पूरा समर्थन रहा है मेरे साथ और सारे मेरे साथ खड़े हैं और इस बार हम फिर से एनएसयूआई को दोबारा कॉलेज में लाएंगे। जो अभी छात्रों ने क्या, आप जानते हैं कि जब 5 वर्षों से मैं एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष रहा तो हम बहुत बड़ा परिवार बनाने में सक्षम रहे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार के कुछ सदस्य नाराज हो जाते हैं। पिछली बार कुछ सदस्य हमारे परिवार के नाराज हो गए, तो ये हम लोगों की और थोड़ा कुछ संगठन की नाकामी रहेगी, हम सबको संभाल नहीं पाए। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथी मेरे भाई राजेश भंडारी जी, अभी इससे पूर्व में जो प्रत्याशी रहे हमारे अमन नयाल जी, आस्कर राव जी, इन सबके नेतृत्व में एनएसयूआई एकजुट हुई है और सब इस बार एनएसयूआई का परचम बीजेआर परिसर में पुनः लहराने जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बहुत सारी, जब मैं 5 साल का, जैसा आपने बताया कि मेरा कार्यकाल रहा, तो एनएसयूआई के बहुत सारे लोग, कभी किस समय पे कोई नाराज हुआ, किस समय कोई नाराज हुआ, तो हम नाकाम रहे सब लोगों को मनाने में। लेकिन हमारी खुशनसीबी थी कि हमारी बहुत बड़ी टीम थी और उस बड़ी टीम के साथ जाहिर सी बात है कुछ लोग नाराज होते जाते हैं, लेकिन हम एनएसयूआई को स्थापित हमने किया और हमारा इस बार भी पुरजोर, हम चाहते हैं कि एनएसयूआई अपने पूरे पैनल में विजय प्राप्त करे और इसके लिए हम अग्रसर है। जैसा आप सभी को पता है कि जो पौड़ी है हमारी, पौड़ी आंदोलन की जननी है और आज उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में पौड़ी के नेताओं का लोहा मनवाया जा रहा है। वो छात्र राजनीति उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने कि छात्र राजनीति से जो लोग निकले आज पूरे देश भर में बल्कि विश्व भर में अपने नाम का लोहा मनवा रहे हैं। और श्रीनगर की जैसे आपने बात करी, श्रीनगर में हमारे आज प्रत्याशी मेरे भाई राजेश भंडारी ने घोषणा कर दी है, तो हम लोग तो काफी सीनियर हो गए एनएसयूआई में, तो चाहे पौड़ी हो, श्रीनगर हो, पूरे प्रदेश भर में हम एनएसयूआई को मजबूत करने का कार्य करेंगे। संगठन में हम एक परिवार है और एक परिवार में तीखी नोकझोंक होती रहती है, नाराजगी जायज होती है, एक परिवार के सदस्यों की तरह हम हैं और आज हम फिर एकजुट हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम बीजीआर परिसर पौड़ी को फतेह करने जा रहे हैं। और मेरे तमाम जितने मेरे संगठन से जिन लोगों को मैंने अपना प्रत्याशी बनाया है, सारे लोग एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के तौर पर हम कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सत्ता पक्ष में होना और इस वक्त सरकार में भी होना इसका एक कारण हो सकता है। देखिए, पिछली बार जो छात्र संघ बीजीआर परिसर पौड़ी में चुन करके आया था, तो उनके द्वारा छात्रों से कई प्रकार के वायदे किए गए थे कि वे लोग लगातार जो बस की मांग जो चल रही है उसे वे लोग पूरे करेंगे, क्योंकि वो सत्ता में भी इस वक्त हैं, तो कई प्रकार के जो प्रलोभन थे वो दिए गए थे। लेकिन हम लोग इस बार नए सिरे से इसको शुरू करके विश्वविद्यालय से, हमने श्रीनगर को 4 बसें वहां पर अलॉट करवाई, वहां पर हमारी महासचिव आंचल राणा ने, हमने उसके साथ मिलकर के जो विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की और 4 नई बसें हमने वहां पर अलॉट करवाई। और इस बार हमारी कोशिश रहेगी पौड़ी परिसर के लिए भी लंबे समय से जो बस की जो मांग लंबित चलती आ रही है, हम उस मांग को पूरा करेंगे। खबर भारत पोष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।